सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर, वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नूपुर। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अक्टूबर 2022। और फ्रेंड्स, जैसे कि कल खिंडी बाग रामलीला मैदान का जो रावण दहन था वो हो चुका था, और फ्रेंड्स आज हम आए हैं ओसी फैक्ट्री से रामलीला मेला दिखाने आपको। और फ्रेंड्स, आज 6 तारीख को आज यहाँ पर रावण दहन होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज ऐसा पहली बार हुआ है जब से रामलीला शुरू हुई है सन 1965 से, और आज फ्रेंड्स एक ऐसा दिन है कि आज रावण दहन वाले दिन इस मैदान में उतनी भीड़ मुझे देखने को नहीं मिल रही जितना हमेशा से देखते हम आए हैं। और वैसे भी 2 साल से तो वैसे भी ये मेला नहीं लगा था, और जब लगा है और जब रावण दहन हो रहा है 2 साल बाद, तो फिर उस हिसाब से मुझे भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आज सुबह से ही मौसम की मार है, और आज सुबह से ही हमारे शहर शाहजहाँपुर में बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, और इस यही कारण है कि आज यहाँ मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं, वैसे यहाँ पर रावण दहन वाले इतनी भीड़ होती है कि लाखों का आदमी आता है। और आज फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते पूरा मैदान खाली, बस कुछ ही लोग आए हैं, और आज देख सकते यहाँ पे कितना पानी भर चुका है, किचकिच हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, हम जो भी लोग यहाँ पे आए हैं रावण देखने स्पेशली, क्योंकि 2 साल बाद लग रहा, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी वही उत्साह है, इसलिए लोग आए हैं रावण दहन देखने, और हम भी फ्रेंड्स। तो मेरी भी मेहनत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चाहे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए हम आप लोगों ने कितनी मेहनत कर रहे हैं, बरसात में भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आपको स्पेशली दिखाने आए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम आपको पूरा रावण दहन दिखाएंगे, और मेले का ब्लॉग तो आपको ऑलरेडी दे ही चुके। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम झूले वाले सेक्शन में खड़े हुए, और यहाँ पर कल तक जितनी यहाँ पर भीड़ हुआ करती लोगों की लाइनें लगे थे, आज यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कि उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाई बारिश हो चुकी है, शायद से लोगों का मन बदल गया होगा, लोग नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से लोग आए भी हैं, और यहाँ पर झूले तो चल ही रहे हैं जैसे कि रोज़ ही चलते थे। तो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, अगर आप लोग इस मेले में नहीं आ पाए रावण दहन देखने, तो आप लोग प्लीज़ निराश मत हो, ये आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ का रावण दहन देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर झूले भी खाली पड़े हैं, यहाँ पर ट्रेन जो है अपनी सवारियों का इंतज़ार कर रही है। और फ्रेंड जैसे कि अभी आपको पूरा मेला घुमा ही रहे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेले में सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना या दुर्घटना जो है या कोई असामाजिक तत्व जो है वो ना हो पाए। तो हमारा पूरा शाहजहाँपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्टिव है। तो फ्रेंड जैसे कि आज देख सकते हैं कल विजयदशमी थी, और आज यहाँ ओसी फैक्ट्री स्टेट में रावण दहन होने जा रहा है। और फ्रेंड्स आज रावण की अंतिम रात है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मंचन जो है, अब बस यहाँ पे कुछ ही क्षणों में ये अंतिम मंचन होने जा रहा है रावण का, बस यहाँ पे कुछ रावण वध हो जाएगा और फिर जलेगा हमारा वो रावण दहन जो वहाँ पत्ते खड़े हुए हैं। प्लीज जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आज रावण की अंतिम रात है, और काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि मेरा जिस जोश होता शुरू हुआ था, बस मेले की भी आखिरी रात है, और बस आज ही भर का ही मेला रह गया है, और फिर हम सीधे मिलेंगे अब अगले साल इसी नए जोश के साथ, इसी नए उत्साह के साथ। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ओसी फैक्ट्री से रामलीला में यहाँ पे जो यहाँ पे मंचन हो रहा है, तो अभी यहाँ का दृश्य ये है कि यहाँ पे रामा दल जो था वो युद्ध से पहले अपना उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपना उत्साह वर्धन किया जा रहा है।
अब अतः परेशान हो गए। तब उन्होंने अपने लास्ट में आखिरी में अग्नि बाण चलाया जो उसके सीधे नाभि में जाके लगा था और जिस वही उसकी मौत, जैसे कि देख सकते हैं रावण का वध हो चुका है, रावण के नाभि में तीर जा लग चुका है और यही उसकी मौत का कारण बना। जय श्री राम। तो जैसे कि अभी आपने देखा मंच पे तो रावण का वध हो ही चुका है और अब यहाँ पे रावण दहन भी कुछ क्षणों में होने जा रहा है और उससे पहले यहाँ पे आतिशबाजी जो है पटाखों की वो भी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग पहले उसका आनंद लीजिए, फिर तो रावण दहन तो हो ही जाना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण दहन देखने के लिए भी लोगों की काफ़ी भीड़ अब यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। जब हम पहले आए थे उस दौरान तो नहीं थी, पर अब यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं। ये सब मौसम थोड़ा सा साफ है और यहाँ पे बारिश भी रुकी हुई है। तो फाइनली रावण की ये अंतिम रात आज यही समाप्त होती है। तो देख सकते हैं रावण लंकेश यहाँ पे
जोर से गूंज रहा है। बहुत आगे नहीं पहुंच रही। सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, तो आप लोग हाय बोल दीजिए, चैनल के लिए बोल दीजिए सब्सक्राइब। हे गाइस, ये मैं दीदी का ब्लॉग देखता हूँ। आज ही मैंने इन्होंने लिंक शेयर करी थी दीदी के ब्लॉग की। मेरे को ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। दीदी अभी सिटी वाले मेले की भी बनाई थी और आज इसकी बना रही। काफ़ी अच्छा लगता है जब सिटी का कोई मतलब पर्सन उठता है और यूट्यूब पर इतनी बड़ी कम्युनिटी पर आता है, अपने आप को शो करता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और दीदी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस आप लगे रहो इसी तरह, आगे बढ़ते रहो, शाहजहाँपुर का नाम आगे करते रहो। तुमको कुछ कहना? मैं दो साल से आपका देख रहा हूँ, आपकी एक एक वीडियो, और शाहजहाँपुर में मतलब एक से एक बढ़िया वीडियो आती हैं और मैं उसको देखता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आपका ब्लॉग चैनल और उठे और शाहजहाँपुर का नाम रोशन हो। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सपोर्ट मिल रहा है, हम भी आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पे रावण दहन जो है वो हो चुका और रावण की जो अंतिम रात थी वो आज यहीं समाप्त होती है। और लेकिन जैसे कि देख सकते हैं, तीनों पुतलों में जो है वो आग लग चुकी है और रावण का दर्शन अभी भी नहीं किया है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुराई जो है वो आज भी मौजूद है। तो बस यही मेरा संदेश है कि इस विजयदशमी हम लोग अपने अंदर की बुराई मिटाएँ और अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। तो कह सकते हैं यहाँ पर आज वही कुछ हमको देखने का सीन मिला है। तो होप, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स, चलिए इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।